मुमरा मुस्लिम लोगों का एरिया है, ऊपर का साइड थाना हिंदू लोगों का है। ये जो है ना, लोगों ने लोगों के दिमाग में डाला है, लोगों ने लोगों के दिमाग में डाला है। अगर किसी को किसी प्रार्थना करनी है ना, तो जो इबादत है ना, आप आपके घर में भी बैठ के कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल जगह की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि एक चीज बोलना चाहता हूं कि हम एकता के लिए झगड़े कर रहे हैं, नाही तोड़ने के लिए कर रहे हैं। अगर ये चीज लोगों में आपसी झगड़े बंद हो जाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता किसी नदीम की किसी शाम चिट्ठी की किसको जरूरत पड़ेगी। शायद से हम भी अपने पर्सनल फायदे के लिए ये झूठी बातें करते रहेंगे। जब आपको वेरीफाई होगा कि ये सच में सही है, तो जुड़िए। यही रिक्वेस्ट करता हूँ आपको और सभी लोगों को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल जेक और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। ईद का पावन अवसर है और यहाँ पर हम आपको बताए हैं इससे पहले कि नदीम खान के घर पर किस तरीके से एक बड़ा मैसेज दिया गया था कि हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की एक मिसाल ईद के दिन देखने को मिली, जहाँ पर सिवई पीने हिंदुस्तानी भाव पहुँचे थे। और यहीं पर आज पुणे से श्याम शिंदे जी भी आए हुए हैं और नदीम भाई के घर पर स्पेशली सिवई किया और एक भाईचारगी की मैसेज दिया। क्या कहेंगे आज ये जगह पे मैं एक बात करना चाहता हूँ, सभी दोस्तों को, भाइयों को, देशवासियों को एक मैसेज आपके चैनल के थ्रू देना चाहता हूँ कि आज जो माहौल जो ख़राब है, जो आज माहौल ख़राब है, जो आपसे रंजिश चालू है, वो सिर्फ दिखने को चालू है। असल में जो हिंदू मुस्लिम जो है ना, एक दूसरे के साथ सगे भाई जैसे ही रह रहे, सिर्फ कुछ उंगलियों पर जो गिनने वाले जो लोग हैं ना, वही इस चीज़ों का मसला बना के इतना बड़ा बवाल कर रहे हैं कि जिससे पॉलिटिक्स गर्म हो जाए और उनका आगे जाके ऐसा हो जाए कि ये एरिया में मुस्लिम ही आना चाहिए ना, या एरिया में हिंदू ही किसी तो वोट से जीत के आना चाहिए। तो ये जो चीज चालू है ना, जो राजनीतिक जो आपस में जो फायदेमंद की जो बात चालू है, इसलिए कोई भी इसके उसके ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान ना दे। क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि सरकार जो चल रही है, जो सरकार चल रही है ना, जो लोग आरक्षित जगह है उधर ही मस्जिद बना सकते, उधर ही मंदिर बना सकते। कोई भी उठ के कई रोड के बीच में जाके कोई बनाएगा तो वहाँ पे पुणे पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या मुंबई कॉरपोरेशन है या अधिकारी जो लोग हैं, वो उनको अगर अतिक्रमण दिखा तो निकाल डालेंगे। उनके लिए क्या, लोगों को तकलीफ नहीं देना है उनके लिए क्या है? धर्म के खिलाफ कोई भी इंसान नहीं है, ना मैं हूँ, ना नदीम भाई है, मलिक भाई है, जैद खान साहब है, या कोई भी। मेरा एक ही क्या बोलना है कि जो चीज़ों से अपना भाईचारा बनता है, अपना जो हिंदुस्तान है, अभी फिलहाल में वन रैंक पे लोकसंख्या के मामले में अपना हिंदुस्तान आया चीन को पीछे छोड़ के। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत सारे धर्म जाति है, पर हिंदुस्तान इकलौता ऐसा है कि इनमें धर्म और जाति कई हज़ारों है, कई कई लैंग्वेज अलग है, यहाँ की मातृभाषा अलग है, उनकी उनका खान पान अलग, सब चीज़ें। फिर भी जब भी उनका कोई पेपर बनता है, जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हो, तो वहाँ जो पासपोर्ट है उसके ऊपर होता है इंडियन। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर वहाँ जाने के टाइम को आपको एक ही पेपर पूछा जाता है, जो पासपोर्ट जिससे आप आउट ऑफ कंट्री जाते हो, तो आपकी एक पहचान पत्र आपका है जो पासपोर्ट, वो इंडियन बोल के है। तो यहाँ आप हिंदू मुस्लिम करेंगे और वो चीज़ों से दंगे भड़केंगे, लोग मरेंगे, इससे कुछ मतलब ही नहीं है। इससे क्या होने वाला है कि आप है ना, अगले 100 साल के लिए वो बीच बोझ के निकल जा रहे कि ये दुश्मनी का बीज तो चलता आ रहा है। जब इंडिया से बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, वो टाइम पर जो लोग 100% वही टाइम पे, मेरा एक बोलना है कि वही टाइम पे पूरे मुस्लिम राष्ट्र एक बनाना चाहिए था और हिंदू राष्ट्र एक बनाना चाहिए था, पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी क्योंकि यहाँ के ही लोग वहाँ बसे हुए। तो ये चीज़ों में जो महात्मा गांधी जी ने जो फंड रिलीज करवाए या बाकी की जो चीज़ें हुई, तो जीना थे, इन्होंने सब चीज़ें की। इनका एक ही क्या था कि जिनको इधर रहना इंडिया में वो इंडिया में रहे, जिनको पाकिस्तान में रहना है पाकिस्तान में रहे। तो वो लोग थे वहीं पे थे, सिर्फ बंटवारा बीच में से हो गया, इसलिए लोग डिवाइड हो गए। तो आज भी हम देख रहे हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, नरेंद्र मोदी जी, ये अच्छी तरह इंटरनेशनल लेवल पर जो इंडिया का जो कद बढ़ा है, ये उनकी सोच है। वो क्या करते, मुस्लिम को भी वही न्याय दे रहे, हिंदू को भी वही दे रहे। सिर्फ जो छिछोरी पार्टी आए लोग है, छिछोरी पार्टियाँ मीन्स क्या, कि जिनका कुछ वजूद नहीं है, उनको सिर्फ एक ही है कि कुछ भी करके बोलते ना कि जो गांव में नहीं आना है तो मुझे मुखिया बनना है, गांव में नहीं आना तो मुझे मुखिया बनना है, ज़बरदस्ती के घुसने के जो काम है उससे ही क्या हो रहा है, ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा है। जो सही रहेगा उसको पब्लिक सपोर्ट करेंगी, जो गलत रहेगा उसको पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी। अगर आगे जाके मैं नदीम भाई की तरफ से, मेरी तरफ से एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर हम भी गलत हैं ना, तो हमको भी आप बाजू में हटा डालो, सीधी बात करो,
कि आपका जो है रवैया, आपकी पॉलिसी हमको पसंद नहीं आ रही, भाई आप हट जाओ। क्योंकि एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हम एकता के लिए झगड़े कर रहे, ना ही तोड़ने के लिए कर रहे। अगर ये चीज़ लोगों में ही आपसी झगड़े बंद हो जाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता किसी नदीम की, किसी श्याम चिंदी की किसको ज़रूरत पड़ेगी। कोई किसी को लीडिंग करने का कोई शौक नहीं है, उनको उनकी फैमिली है, मुझे मेरी फैमिली, सब दोस्तों का है। अपना रेगुलर के काम धंधे छोड़ के कोई इतनी मगजमारी कर रहा है, झगड़े कर रहा है, पुलिस स्टेशन जाना आना, लोगों के बीच में जाना, आंदोलन करना, ये करना, ये सब चीज़ें कर रहा है इंसान। तो जो जिसका जो मतलब रहता ना, इलेक्शन के 2-4 महीने पहले ये जो छिछोरीगिरी है ना, जो उठपड़न हरकतें तब करता है, उसको इलेक्शन का टिकट चाहिए, फंड चाहिए, ये चाहिए। ये लोग जिंदगी के जो जब से समझ रहे ना, नदीम भाई के मेरे 8-10 साल से रिलेशन है, जैसे हम समझ रहे ना, भाई का निस्वार्थी चालू है, मलिक भाई का भी वही, उनका कंस्ट्रक्शन का, बाकी के लोग जो है खान साहब, हर कोई आप अपने काम धंधे में, पर उनका एक ही क्या बोलना है कि जो मुमरा मुस्लिम लोगों का एरिया है, ऊपर का साइड थाना हिंदू लोगों का है, ये जो है ना लोगों ने लोगों के दिमाग में डाला है, लोगों ने लोगों के दिमाग में डाला है। अगर किसी को किधर प्रार्थना करनी है ना, तो जो इबादत है ना, आप आपके घर में भी बैठ के कर सकते, उसके लिए स्पेशल जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं मेरे भाई के साथ हमेशा आधी रात को भी खड़ा हूँ, और मलिक भाई हम सब जन मिल के कंधे से कंधा मिला के ये जो अभियान है आगे चलाएंगे। सब युवा लोग जो है, जो हिंदू मुस्लिम एकता में आना चाहते, उनको मैं आह्वान करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग भी जुड़िए, जब आपको लगे कि ये सबसे चीज़ें सही है, वरना आप इससे जुड़िए मत। शायद से हम भी अपने पर्सनल फायदे के लिए ये झूठी वादे झूठे बातें करते रहेंगे, जब आपको वेरीफाई होगा कि ये सच में सही है तो जुड़िए। यही रिक्वेस्ट करता हूँ आपको और सभी लोगों को, जय हिंद जय महाराष्ट्र, और ईद की फिर से एक बार रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद जय महाराष्ट्र। मेरे जो अल्फाज थे साम भाई ने ले लिए, कुछ बोलने के लिए रहा नहीं। स्पेशली विश्ड महाराष्ट्र पुलिस, ऑल इंडिया पुलिस, जिसने हर जगह पे ईद के त्यौहार के टाइम पे बहुत अच्छा कॉर्पोरेशन किया, और स्पेशली मैं कहूँगा हमारे थाना पुलिस को, जो DCP गणेश गावड़े साहब है, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी शांतता को कायम रखवाया। दूसरा विलास शिंदे साहब, थैंक यू सो मच कि आप लोग के मार्गदर्शन से जो कानून को आपने, कानून को बीच में लाया और हमें जो आश्वासन दिया उसे आप खरे उतरे, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। कोलतकर साहब, मुमरा पुलिस स्टेशन, और हमारे जो सिपाही है, जैसे परब साहब, पाटिल साहब, राकेश भाई, जैसे जितने ऑल सिपाही है, लेडीज़ वुमन सिपाही है पॉलिटिक्स पुलिस में, जैसे कि जितने भी पुलिस वाले लोग हैं, मैं सबको थैंक यू वेरी मच और ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, और मैसेज दूंगा इंडिया के लोगों को, मुंबई के लोगों को, महाराष्ट्र मुंबई के लोगों को, ये जो पुलिस वर्दी है ये जब अपने बदन पे डालती है ना, तो ये शत्रु रक्षणायक खलनग्रनायक, ये विनाशकारियों के खिलाफ रहती है, और अत्याचार जिस पर हो रहा है उसके साथ खड़ी होती है। तो ये जो दिन दिन भर धूप में बेचारे अपने फैमिली उसको छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, फेस्टिवल को छोड़ के जो आपके लिए खड़े होते हैं ना, तो मुंबई पुलिस को दिल से सल्यूट है। आप लोग इनको रिस्पेक्टफुल्ली जहां भी मिलो ना, तो फूल दो और रिस्पेक्टफुल्ली इनका सत्कार करो। जय हिंद जय महाराष्ट्र।